महिलाओं के लिए कई कुप्रथाओं में से एक कुप्रथा केरल के त्रावणकोर में थी। 19वीं सदी में दलित महिलाओं पर ब्रेस्ट टैक्स लगाया जाता था। तो गाइस इस बहादुर महिला की कुर्बानी के बाद यह सिस्टम कैसे खत्म हुआ, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो दरअसल त्रावणकोर में दलित महिलाओं पर सिर के ऊपरी अंग को ढकने पर पाबंदी थी। सार्वजनिक स्थानों पर जाते समय उनको अपने स्तन को खुला रखना पड़ता था। स्तन खुला नहीं रखने पर उनको टैक्स देना पड़ता था। दलित महिलाओं के आभूषण या चमकीले रंग वाली साड़ी पहनने पर भी रोक थी। लेकिन इस कुप्रथा का एक महिला ने डटकर मुकाबला किया। वह त्रावणकोर के चेरथला की रहने वाली थी। वह काफी सुंदर थी, जिस वजह से उनको नागिली नाम से पुकारते थे। अन्य दलित महिलाओं की तरह ही उनको भी सार्वजनिक स्थानों पर अपने स्तन को खुला रखने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन उन्होंने इस कुप्रथा का डटकर मुकाबला करने का फैसला किया। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर जाते समय अपने स्तन ढकना शुरू कर दिया। इससे उच्च बिरादरी के लोग उनसे चिढ़ गए और खतरनाक महिला करार दे दिया। नागेली को किसी भी की परवाह नहीं थी। नागेली को अपने पति का भी समर्थन हासिल था। इससे वहाँ का राजा डर गया। उसको लगने लगा कि कहीं पूरा दलित समुदाय बगावत न कर दे। उसने नागेली और उसके पति से जबरन का टैक्स वसूलने के लिए अपने लोगों को भेजा। जब टैक्स वसूलने वाले अधिकारी को अपने दरवाजे पर देखा तो नागेली ने राजा का आदेश मानने से इनकार कर दिया। और कुछ देर सोचने के बाद वो अपनी झोपड़ी के अंदर गई, अपने स्तनों को काटा और केले के पत्तों में सजाकर टैक्स अधिकारी को दे दिया। नागेली खून से लथपथ हो गई थी और आखिरकार उनकी मौत हो गई। नागेली के पति को यह सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और वह उनकी चिता पर ही कूद गए। इस तरह हुआ सती करने वाले पहले पुरुष बन गए। तो गाइस इस घटना के बाद 1814 में त्रावणकोर के राजा ने ब्रेस्ट टैक्स को खत्म कर दिया। लेकिन इसके बाद भी यह कुप्रथा प्रचलन में रही। जब 26 जुलाई 1829 को ब्रिटिश शासन आने के बाद एक कानून बना तो यह कुप्रथा पूरी तरह से समाप्त हुई। इस नागेली के जज्बे को हम दिल से सलाम करते हैं।